गोपारू थाना क्षेत्र के सेमरा के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा रविवार की देर रात को हुआ है। ट्रेलर वाहन में प्रोक्लेन लादी हुई थी जो कि बुढ़ार से बिहार की ओर जा रही थी और गोपारू थाना क्षेत्र के सेमरा पुलिया के पास अनियंत्रित होकर ट्रेलर वाहन पलट गया जिसमें चालक व परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना लगते ही गोपारू थाना प्रभारी ज्योति सिकरवार अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई और मृतकों के शव को निकालने में पुलिस टीम जुट गई। सूचना लगते ही गोहपारू थाना प्रभारी ज्योति सिकरवार अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई और मृतक के शवों को निकालने में पुलिस टीम जुट गई। ट्रेलर वाहन में पोकलेन मशीन लदी थी। वाहन के नीचे मृतक फंसे हुए हैं और पुलिस देर रात से प्रयासों में मृतकों के शव को निकालने में जुटी रही। 12 घंटे बीत जाने के बाद एक शव को बाहर निकाल लिया गया है। शहडोल से पहुंचे सूबेदार अभिनव राय गोहपारू पुलिस की मदद करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन के बाद यातायात सूबेदार अभिनव राय, आरक्षक मतीन खान, आरक्षक धीरज यादव के साथ मौके पर पहुंच गए हैं और क्रेन, कटर और जेसीबी की मदद से मृतक के शव को निकालने के पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। ट्रेलर वाहन में पोकलेन मशीन लोडेड थी जो बुढ़ार से बिहार की ओर जा रही थी। रविवार की देर रात गोहपारू थाना क्षेत्र के सेमरा पुलिया के पास वाहन पलट गया जिसमें चालक सुजीत यादव एवं हेल्पर अखिलेश यादव नीचे दब गए और मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया था। ट्रेलर वाहन क्रमांक CG04MB5194 ट्रेलर मालिक सुभाष चंद्र का बताया जा रहा है। 12 घंटे से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी पुलिस ने एक शव को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया है। एक मृतक के शव को निकालने में पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उसके लिए शहडोल से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।